हे गाइस, वेलकम टू अभिनी ऑटो व्लॉग्स। मेरा नाम है अभिषेक एंड टुडे आई हैव अ गुड अपडेट रिगार्डिंग दी 2021 क्रेटा 7 सीटर वर्जन विच इज़ ह्यूंडई अल्काज़ार, जिसकी ऑफिशियली कुछ स्पाई शॉट सामने आ गए हैं। कुछ स्केचेस हैं जो कि ह्यूंडई ने ऑफिशियली शेयर किए हैं, जिससे इसका इंटीरियर एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा रिवील हो जाता है कि एक्जैक्टली आपको इसके एक्सटीरियर में कैसा लुक्स देखने के लिए मिलेगा और इंटीरियर इसका कैसा होने वाला है। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डिटेल आने वाले हूं इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सपेक्टेड इसके फीचर्स और कब तक आपको ये मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू कार से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। ह्यूंडई अल्काज़ार ऑफिशियली रिवील होने वाली है 6 अप्रैल 2021 इन राजस्थान। ग्लोबल अनवील के बाद सबसे पहले ह्यूंडई अल्काज़ार को इंडिया के अंदर सेल किया जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि डीलरशिप्स पर ये मई 2021 तक पहुंच जाएगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ह्यूंडई अल्काज़ार बेस्ड रहने वाली है सेम प्लेटफॉर्म पर जिस पर 5 सीटर सिबलिंग मींस ह्यूंडई क्रेटा डेराइव्ड है। सेम प्लेटफॉर्म का इसके ऊपर यूज़ किया जाएगा, बट जो डिफरेंस रहेगा वो 6 और 7 सीट कॉन्फिग्रेशन का रहेगा इंटीरियर में। इसके मिडल रो में कैप्टन सीट्स होंगी और थर्ड रो के अंदर बेंच सीट्स होंगी। वहीं अगर इसके एक्सटीरियर स्टाइलिंग की बात करें तो ह्यूंडई अल्काज़ार काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर रहने वाले देन क्रेटा, क्योंकि जो इसका व्हील बेस है उसको एक्सटेंड किया गया ताकि थर्ड रो का जो स्पेस है उसके अंदर एड ऑन किया जाए। वहीं अगर इन स्केचेस को देखें तो इसका जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा रिवील हो जाता है। इसका साइड और इसका फ्रंट एग्जैक्टली बोरो किया गया है क्रेटा से, बट इसके अंदर कुछ माइनर ट्वीट्स किए गए हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फ्रंट की जो हेडलैम्प यूनिट है वो एग्जैक्टली सेम है जो क्रेटा के अंदर आती है, बट क्रेटा से कुछ अलग दिखाने के लिए इसका जो फ्रंट ग्रिल है उसको रीडिज़ाइन किया जाएगा और उसके अंदर कुछ मेजर अपडेट किए जाएंगे जिससे फ्रंट से ये क्रेटा से कुछ अलग दिखे। बाकी और कोई भी चेंजेस इसके फ्रंट में नहीं किए गए हैं। वहीं अगर आप इसका साइड लुक देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेजर अपडेट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे जो बॉडी के ग्रूव्स हैं उनको थोड़ा सा और मस्कुलर बना दिया गया है और जो बॉडी लाइंस हैं उनको एक नई शेप दे दी गई है। साथ ही आपको देखने के लिए मिलते हैं न्यू शेप्ड के 17 इंचेस ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द कार को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम मिलेगी सी पिलर तक, बट सी पिलर के बाद इसके अंदर मेजर अपडेट किए गए हैं। जो थर्ड रो सीटिंग स्पेस है उसको एड ऑन किया गया और वो बिल्कुल रीडिज़ाइंड है यहाँ पर। वहीं सी पिलर के बाद आपको एक ग्लास एरिया देखने के लिए मिल जाएगा जो कि थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए है। ये पूरा जो एरिया है वो रीडिज़ाइंड है और अगर आप इसका रियर एंड देखते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम दी 5 सीटर सिबलिंग क्रेटा से। वहीं अगर आप इसका रियर एंड देखते हैं तो यहाँ पर मिलती है रिवाइज्ड LED टेल लाइट्स और दोनों ही टेल लाइट्स को कनेक्ट करता हुआ है एक बार मिल जाता है जिसके ऊपर आपको अल्काज़ार की जो ब्रांडिंग है वो देखने के लिए मिल जाएगी। ह्यूंडई अल्काज़ार में ट्विन एग्जॉस्ट मिलते हैं और एक न्यू सॉर्ट ऑफ लुक का रूफ माउंटेड स्पॉयलर भी मिल जाता है। उसी के ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलता है, रूफ रेल्स भी हैं, बम्पर प्लेस रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और जो स्केट प्लेट है वो सिल्वर इन फिनिश के अंदर है, बट उसके बीच में एक सॉर्ट ऑफ ग्रिल का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। वहीं अगर इसके इंटीरियर की बात करें जो थीम है वो भी एग्जैक्टली सेम है जैसे क्रेटा के अंदर मिलती है। ह्यूंडई अल्काज़ार के अंदर भी जो फीचर्स आने वाले हैं वो 10.25 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है, ब्लू लिंक के कनेक्टिविटी टेक फीचर्स मिल जाते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन, 7 इंचेस के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ और काफ़ी जितने भी फीचर्स हैं वो सब एग्जैक्टली सेम यहाँ पर मिलने वाले हैं। वहीं अगर सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर भी 6 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आइसोफिक्स माउंट्स और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे काफ़ी फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। इन स्केचेस को अगर आप देखेंगे तो मिडल रो के अंदर 2 कैप्टन सीट्स मिलती हैं, उन्हीं के बीच में एक लार्ज आर्मरेस्ट मिल जाता है और कप होल्डर्स का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही जो इसके हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल यहाँ पर लग रहे हैं। अगर आप थर्ड रो देखते हैं तो वहाँ पर कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है इंडिविजुअली और रियर AC वेंट्स में मिल जाते हैं, बट अगर आप इनके हेडरेस्ट को देखते हैं तो वो यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं लग रहे हैं स्केचेस के अंदर, बट वो आगे देखना होगा कि प्रोडक्शन मॉडल के अंदर इसके अंदर हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है थर्ड रो के लिए या फिर नहीं है। वहीं अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो एक्सपेक्टेड है कि जो इसकी प्राइसिंग होगी वो 1 लाख रुपए ऊपर होगी ऑन एवरी वेरिएंट ऑफ क्रेटा। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो क्रेटा वाले सारे इंजन्स मिलने वाले हैं, 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल एंड 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो भी एग्जैक्टली सेम मिलेंगे, DCT, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और
जो इसका मैनुअल है 6 स्पीड, वो भी सभी इसके अंदर मिलने वाला है। सो गाइस ये तो मेरी तरफ से एक अपडेट। हिंडे अल्काज़ार जो कि 7 सीटर वर्जन है क्रेटा का, इसका मैंने एक्सपेक्टेड इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स प्राइसिंग लॉन्च डेट सब भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।